नवीनतम घटनाक्रम में विवादित संसदीय चुनावों के बाद जॉर्जिया राजनीतिक उथल पुथल में फंस गया है। चुनाव आयोग के अनुसार रूस समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी विजयी हुई है। हालांकि प्रमुख विपक्षी नेताओं ने परिणामों की निंदा करते हुए इसे धोखाधड़ी बताया है और सरकार पर मतपत्रों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अनियमितताओं के व्यापक आरोपों के बीच देश राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट की अध्यक्ष टीना बोकुचावा ने परिणामों को लोकतंत्र के लिए झटका बताया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कानूनी तरीकों से चुनाव के नतीजों को चुनौती देगा और अपने समर्थकों को अपने वोटों की रक्षा के लिए संगठित करेगा। जॉर्जिया में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि दोनों पक्ष चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं।